नमस्कार, एस्ट्रो इंसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋचा शुक्ला। आप सभी जानते हैं कि सूर्य ग्रह ग्रहों के राजा हैं, आपकी आत्मा के कारक हैं। आपके शरीर में जो भी वाइटैलिटी है, जो भी शारीरिक क्षमताएं हैं, वो सब सूर्य से हैं। मन की क्षमता हो या फिर शरीर की क्षमता हो, जनरल वाइटैलिटी जो हमारे शरीर में होती है, वो भी सूर्य से ही देखी जाती है। सूर्य के बिना इस पूरी सृष्टि का क्रम जो है वो बिगड़ जाएगा, हिमयुग आ जाएगा। तो सूर्य सबसे प्रखर होना चाहिए आपकी कुंडली में, पर ऐसा तो नहीं होता। हर की कुंडली में सूर्य उच्च के तो नहीं हो सकते। आज मैं आपसे बात करूंगी। एक मैंने उच्च के सूर्य पर वीडियो बनाया था, उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में रहेगा। और आज मैं बात करूंगी कि नीच के सूर्य हो तब क्या होता है। जैसे ही आप लोग नीच के सूर्य देखते हैं तो आपको लगता है कि अब मेरा जीवन व्यर्थ हो गया, क्योंकि मेरी कुंडली में तो सूर्य ही नीच के हो गए और सूर्य ही ये सारी चीजें देने वाले हैं, प्रसिद्धि, सत्ता, सरकार से लाभ, अच्छे पद पर बैठना, ऊंचे पदों पर बैठना, सरकार से फायदे लेना, पुरस्कार लेना, तो यानी मेरा जीवन तो बेकार हो गया। ऐसा नहीं होता। नीच का सूर्य का क्या मतलब है कि अगर सूर्य लिब्रा यानी कि तुला राशि में चले गए हैं तो फिर आपके सूर्य नीच के हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं, यानी पूर्व दिशा में सूर्य उच्च के होते हैं क्योंकि वहीं से निकलते हैं, और पश्चिम जो है वो उनके अस्त होने की दिशा है। तो अगर आप काल पुरुष यानी एक खाली कुंडली बना ली आपने 1 से लेकर 7 तक, तो आपको लिब्रा नंबर जो 7 नंबर है वो कहाँ आएगा? नंबर 1 के एकदम ऑपोजिट में, यानी पूर्व और पश्चिम। तो सूर्य जो है वो सूर्य के अस्त होने का की दिशा है जो लिब्रा साइन है, जो तुला राशि है, मतलब सूर्य पश्चिम में चले गए, अस्त हो गए। लेकिन यहां पर यह मतलब नहीं हुआ कि सूर्य अस्त हो गए परमानेंटली। अगर हमारे पूर्व में सूर्य अस्त हो गए हैं तो पश्चिम में सूर्य उदय हो गए हैं। सूर्य कभी भी अस्त नहीं होता। पृथ्वी के चलने की वजह से वो उसकी जो दिशा है, या हम पूर्व के लोग हैं तो हमको लगेगा कि भाई सूर्य अस्त हो गया, लेकिन दूसरी जगह अमेरिका में सुबह होने लगती है। तो सूर्य अगर नीच का है तो आप एकदम परेशान ना हो कि मतलब सब कुछ चला गया। ये सच बात है कि अगर आपकी कुंडली में, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं कि ग्रहों की भाषा को समझ लें और उनसे उसी भाषा में बात करने लगे, इसी को आप ये भी कह सकते हैं कि किस तरह से आप अपने एक्शंस को अपनी डेस्टिनी के साथ सिंक्रनाइज्ड कर सकते हैं, किस तरह से आपके एक्शन आपके भाग्य के साथ या आपके ग्रहों के साथ मिल जाए कि आपको भरपूर लाभ हो जाए। अब सूर्य जो है उसके कारकत्व तो क्या है? सूर्य के कारकत्व तो है कि वो राजा है, मुखिया है, सर, मतलब अगर किसी देश में है तो उसका जो सर्वोच्च पद है वो सूर्य है। देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब सूर्य से प्रभावित होते होंगे। जो भी ग्रहों की हायरार्की है उसमें सूर्य ही तो राजा है। तो यानी कि सूर्य के कारकत्व में प्रथम स्थान पर होना बिल्कुल सही बात है। फिर क्योंकि राजा है तो राजकीय जितने भी सुख हैं, सम्मान है, ये सब भी आप सूर्य से देख सकते हैं। आत्मकारक ग्रह है। मैंने आपसे अपने उच्च के सूर्य के वीडियो में कहा था कि उच्च का सूर्य अक्सर बहुत बार अहंकार दे देता है, क्योंकि एक तो राजा और वो भी सर्वशक्ति संपन्न, वो हर व्यक्ति को, अपने आसपास के लोगों को इसी तरह डील करता है कि सब उसकी प्रजा है। अब चाहे वो
उतना प्रतापी हो या ना हो, माना सूर्य उच्च का है लेकिन उस पर शनि की दृष्टि आ रही है, राहु केतु की एक्सेस में है, तो मैं ये नहीं कह रही हूं कि सूर्य उच्च का हुआ तो बहुत अच्छा हो गया, पर हाँ उसके पास ये एक गुण अवश्य होगा कि एक तो वो हमेशा लीड करना चाहेगा, वो कभी भी छुपा हुआ नहीं रह सकता, पर्दे के पीछे से काम नहीं कर सकता जिसका उच्च का सूर्य होगा। एक अप फ्रंट स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनालिटी होगी, जो मुंह में आया वो बोल दिया, दूसरे को बुरा लगा कोई बात नहीं, यही सच था, मैंने सच बोला है। इस तरह की एक प्रकृति आप उच्च के सूर्य वाले में देखते हैं, अप फ्रंट होना। राजनीतिज्ञ भी हो सकते हैं आप, बड़ों बड़े बड़े पदों पर भी आसीन हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि सूर्य मंगल की राशि में उच्च के होते हैं, यानी यहां पर बैठकर सूर्य राजा जो है वो बहुत प्रतापी फाइटर हो जाता है, लड़ने वाला हो जाता है, आपके अंदर एक फाइटिंग स्पिरिट बहुत जबरदस्त होती है। अब अगर सूर्य नीच के हैं, राजा तो राजा ही रहा, ये मत भूलिएगा, राजा सदैव राजा है। अब ये और बात है कि वो लिब्रा तुला राशि में आ गया है, इसलिए वो टेक्निकली नीच का हो गया। अब अगर सूर्य नीच का होगा तो ऐसा व्यक्ति बहुत प्रतापी राजा तो नहीं होगा, नहीं हो सकता, लेकिन शुक्र से प्रभावित चीजें अगर वो व्यक्ति करता है, जैसे कि अगर वो व्यापार में चला जाए, जी हाँ, पर व्यापार किस चीज का हो, शुक्र से रिलेटेड चीजों का, सौंदर्य प्रसाधन के सामान हो सकते हैं, फिल्म इंडस्ट्री हो सकती है, एक्टिंग हो सकती है, आर्टिस्टिक फील्ड्स हो सकती हैं, पेंटिंग वगैरह हो सकती है, इस फील्ड में यानी शुक्र से रिलेटेड फील्ड में अगर नीच के सूर्य वाला व्यक्ति चला जाए तो वो वहां भी बहुत प्रसिद्धि प्राप्त कर सकता है। लेकिन ये सच बात है कि नीच के सूर्य वालों की राजकीय, जिसको कहते हैं ना, किस चीज में परेशानी दे सकता है, आपको सरकार से मतभेद हो सकते हैं, सरकार से आपको मदद कभी कभी नहीं प्राप्त हो सकती है, आप किसी ना किसी टैक्स वगैरह के झगड़े में भी पड़ सकते हैं, आप अगर कोई व्यापार करते हैं और आपने टैक्स वगैरह अच्छे से नहीं भरा आप फंस सकते हैं, आपके पिता की सेहत में थोड़ी सी कमी करता है नीच का सूर्य, पिता के सुख को भी कम कर सकता है, या ये भी कर सकता है कि पिता बहुत प्रतापी ना हो, पिता एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हों, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रतापी नहीं बन सकते, पिता का कारक है, नीच के सूर्य अक्सर पिता को कमजोर करते हैं, आपको नहीं, यानी जातक को नहीं, जिसकी कुंडली में सूर्य नीच का है वो जरूरी नहीं है कि वो आदमी बिल्कुल, हाँ उनके पिताजी जो है वो हम्बल बैकग्राउंड के होंगे, बहुत प्रतापी नहीं होंगे, बहुत सक्सेसफुल नहीं होंगे, आपको यानी जिस व्यक्ति की कुंडली में सातवां घर मतलब सातवें राशि में तुला में है सूर्य, उनके अंदर क्या होगा, आपके अंदर कभी कभी एक एक ये संभावना आ सकती है कि आपके स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमजोरी रहे, आपके अंदर कोई एक ऐसी हैबिट, कोई एक ऐसी आदत हो सकती है जो शरीर को नुकसान पहुंचाए, जी हाँ, अक्सर सूर्य अगर नीच का है तो आप किसी भी तरह का कोई नशा कर सकते हैं, आपकी कोई भी एक ऐसी ऐसी हैबिट हो सकती है जो आपको कष्ट पहुंचाए, आपके शरीर को कष्ट पहुंचाए, आपकी आंखों में, आपके नेत्रों में प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी हड्डियों में प्रॉब्लम हो सकती है, आप जनरल वाइटलिटी की कमी महसूस करेंगे और उसको पूरा करने के लिए आप गलत चीजों का सहारा लेते हैं, समझ रहे हैं ना, आपको लग रहा है मुझे किक मिलता है सिगरेट पीने से, धूम्रपान से, आप धूम्रपान करने लगते हैं क्योंकि अदरवाइज आपको लगता है कि मेरी वाइटलिटी थोड़ी कम है, इसलिए ऐसा करते हैं। तो इस तरह की चीजें आपको अपने अंदर दिखाई दे सकती हैं, आंखों में खराबी, हड्डियों की परेशानी, लो सेल्फ एस्टीम कभी कभी दे देता है, लेकिन अगर आप की कुंडली में शुक्र वेल प्लेस्ड हो, शुक्र सूर्य से केंद्र में हो, शुक्र त्रिकोण वगैरह में विराजमान हो और आप शुक्र से रिलेटेड फील्ड्स में काम कर रहे हों, खास करके मीडिया पिक्चर मतलब सिनेमा वगैरह, डांस आर्ट, तो
तो आपका झंडा बहुत ऊपर हो सकता है। मैं आपके साथ यहाँ पर दो हॉरोस्कोप शेयर करूँगी, ऐश्वर्या राय बच्चन और शाहरुख खान, दोनों का जन्मदिन 1 या 2 नवंबर को होता है और उस वक्त सूर्य नीच के होते हैं। ऐसे लोग देखिए आप, इन्होंने कला को अपना व्यवसाय चुना, तो क्या हुआ कि आप राजा बन गए वहां। मैंने कहा ना, अब शाहरुख खान को सब लोग क्या कहते हैं, शहंशाह कहते हैं, नहीं, कुछ भी कहते हैं, किंग कहते हैं, मुझे ज्यादा पता नहीं है क्यों कहते हैं, क्योंकि राजा तो राजा ही है। अब अगर वो लिब्रा में बैठ गया तो आप कला जगत के राजा बन गए, ठीक है ना, अनडिस्प्यूटेड किंग बन गया। तो सूर्य, हाँ ये सच है कि उनके पिताजी बहुत सफल नहीं हुए। अब ये मुझे पता नहीं कि उनके अंदर क्या कुछ कमजोरियां हैं या क्या शारीरिक कुछ क्षमताएं या आंखों में, ये सब मुझे नहीं पता। लेकिन एक सेलिब्रिटी का उदाहरण देना इसलिए ठीक होता है, आपको तुरंत समझ आ जाता है। ये और बात है, ये निश्चित है कि केवल उनका सूर्य ही नीच का नहीं होगा और ग्रहों की वजह से भी वो शाहरुख खान बने होंगे। लेकिन ये सच है, ये सच है कि आपको कभी ना कभी, जो मैं उदाहरण देना चाहती थी कि अगर आप, अब अगर यही व्यक्ति पॉलिटिक्स में चला जाए तो फेल हो जाएगा, तब ये नीच का सूर्य बिल्कुल सही काम करने लगेगा, आपको नीचे डाउनफॉल आपका कराने लगेगा। जो मैंने शुरू में बात कही थी कि अगर फ्रांस में रहते हैं तो फ्रेंच सीखिए, फ्रेंच में बात कीजिए तभी बात कर पाएंगे, हिंदी में बात करेंगे कोई नहीं समझेगा। बस यही अगर आप समझ लेते हैं कि नीच के ग्रहों को अगर आपको समझना है तो जो कार्य करने में वो आपकी मदद करते हैं वही काम करने लगे, नीच के ग्रह अच्छे हो जाते हैं, अच्छा फल देने लगते हैं। ये जो सिस्टम है, यानी ग्रहों की एक बोली है, एक भाषा है, वो उसमें आपसे बात कर रहे हैं। आप एक बार समझ लो ये क्या कह रहा है, मैं जो कह रही हूं आप समझ लें तो हमारी आपकी बातचीत अच्छी हो जाती है। उसी तरह ग्रहों का है। सो नीच के सूर्य का ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो कम प्रतापी होगा। अब देखिए, अगर मैं शाहरुख खान का ये एक उदाहरण लेती हूं तो इनको कला जगत में तो बहुत पुरस्कार मिले हैं, पद्मश्री वगैरह सब मिल चुका है। अगर कोई कहे कि भाई सूर्य जो है वो अवार्ड नहीं दिलवाता, दिलवाता है, नीच का सूर्य भी आपको अवार्ड दिलवा सकता है, कला जगत में दिलवाता है, राजनीतिक फील्ड में नहीं दिलवाएगा। आप किसी कंपनी के सीईओ नहीं बनेंगे, आप किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष नहीं बनेंगे, आप मिनिस्टर नहीं बनेंगे, एमपी नहीं बनेंगे, लेकिन कला की जगत में तो आप राजा बन सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में भी नीच का शुक्र सूर्य है तो सबसे पहले शुक्र की पोजीशन को जज कर लीजिए। इफ वीनस इज वेल प्लेस्ड तो डरने की बात नहीं है, ये राजा है, अच्छे ही रिजल्ट देगा। लेकिन कभी कभी अगर शुक्र भी खराब है, सूर्य भी खराब है, सूर्य पर और पापी ग्रहों का भी प्रभाव है, तब ये सच मानिए कि तब नीच के सूर्य से बहुत उम्मीद नहीं की जा सकती। आपकी बातचीत का जो लहजा होगा, अगर सूर्य नीच का भी है और पाप प्रभाव में भी है, तो आपकी बातचीत में कोई वजन नहीं होगी, आपकी पर्सनालिटी में कोई कहते ना करिश्मा नहीं होगा, लोग आपको बहुत छोटा करके आंक सकते हैं। आपकी पर्सनालिटी में वो चार्म, वो वाइटैलिटी नहीं होगी जिससे लोग इम्प्रेस होते हैं। लेकिन ये तब होगा जब सूर्य नीच का हो, शुक्र भी पीड़ित हो और सूर्य पाप प्रभाव में भी हो। अकेले सूर्य को नीच का देखकर अपनी कुंडली में परेशान ना हो। फिर भी अगर आपको लगता है कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य नीच का है तो सबसे पहला उपाय है कि आप गायत्री मंत्र का पाठ प्रतिदिन किया करें। प्रतिदिन आप 3 बार भी अगर सुबह गायत्री मंत्र का जाप करते हैं आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। अगर आप सूर्य को सुबह उठकर सूर्य नमस्कार करते हैं, सूर्य को जल देते हैं,
तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। आप अपनी जिंदगी में फादर फिगर को ढूंढिए, मतलब आपके पिता, मैंने कहा ना पिता का सुख कम करता है, तो अगर आपके पिता नहीं भी हैं तो आप अपनी जिंदगी में एक फादर फिगर जैसे व्यक्ति को ढूंढिए। अगर आपका कोई मेंटोर मिल जाए, आपको कोई आपकी जिंदगी में फादर फिगर जैसा आ जाए, उसका आशीर्वाद आपको मिल जाए, तो भी आप आगे बढ़ने लगेंगे। तो गायत्री मंत्र का जाप, सूर्य नमस्कार, सूर्य को जल, और पिता जैसे किसी फिगर को अपने जीवन में, चाहे आपके दादाजी हो सकते हैं, चाहे आपके कोई ताऊ जी हों, चाहे आपके कोई पिताजी के मित्र हों, गुरु हों, फादर फिगर को ले आइए, उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए। और अगर कोई नहीं है आपके आसपास, सुबह भी नहीं उठ सकते हैं, सूर्य को भी नमस्कार नहीं कर सकते हैं, तो फिर शिव जी की आराधना कीजिए। जगत पिता शिव हैं, शिव से जुड़ जाइए, आपकी जिंदगी में आपका जो नीच का सूर्य है वो भी अच्छे फल देने लगेगा। तो ये थी मेरी एनालिसिस नीच के सूर्य पर। किसी भी ग्रह का नीच का और उच्च का होना उसको बहुत अच्छा या बहुत बुरा नहीं बनाता, जब तक कि उसकी कंप्लीट स्टडी या एनालिसिस ना की जाए। ये मेरा एक जनरल डिस्क्रिप्शन था नीच के सूर्य के विषय में। धन्यवाद। अगर आप लोग मेरे चैनल को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो फिर इसमें लाइक का बटन है, दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो उसका एक कोर्स लॉन्च हुआ है, अप्रैल के 20 या 21 तारीख से क्लासेस शुरू हो रही हैं। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उस पर अपने कॉन्टैक्ट करें, कोर्स के डिटेल ले लें, और अगर इच्छा है तो ज्वाइन कर लें। थैंक यू सो मच।